हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए और पाइए अपने व अपने आसपास से जुड़ी खबरें वैभव क्रांति पर। पलवल केएमपी केजीपी पुल के नीचे इको सेंटर और वैगन आर जैसी छोटी कारों में कुछ लोग वेज बिरयानी बेचने का काम करते हैं। ये लोग अवैध रूप से हाईवे के दोनों तरफ अपनी कारों के साथ कुर्सियां और मेज लगाकर आवागमन करने वाले लोगों को बिरयानी परोसते हैं, जिससे कि हाईवे के दोनों तरफ अतिक्रमण की स्थिति बनी रहती है। हाईवे पर तेज रफ्तार से चलने वाले वाहनों की इन पर नजर पड़ते ही हादसे होने का डर बना रहता है। यहीं से लोग केएमपी केजीपी मार्ग पर अपने वाहनों सहित उतरते चढ़ते हैं। इसी अतिक्रमण को यहां से हटाने को लेकर के पलवल ट्रैफिक पुलिस द्वारा अभियान की शुरुआत की गई। ट्रैफिक इंचार्ज एएसआई रविंदर कुमार ने बताया कि हाईवे पर लगे इन अवैध वाहनों को यहां से हटवाया गया है, जिससे कि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो। अभियान में पहली बार इनको चेतावनी देकर छोड़ा गया है। यदि ये लोग फिर से यहां अतिक्रमण करते हैं या अपनी आदतों से बाज नहीं आते तो इनके चालान किए जाएंगे और इनके वाहनों को भी जब्त किया जाएगा। इसका अर्थ ये है कि ये जो अपने वैन है या इको है, ये कुछ फूड पार्ट का सप्लाई करते हैं, खाना खुना का, कभी ऐसा ना हो कि हाईवे का मामला है, कोई हैवी व्हीकल है वो कोई हिट कर दे इनको, इस रिगार्डिंग इनको हटाया जा रहा है यहाँ से। इनकी वजह से क्या दुर्घटनाएं भी होती है क्या अक्सर? ऐसा तो अभी एट प्रेजेंट तो कुछ नहीं, लेकिन इस रिगार्डिंग कभी अभी इन फ्यूचर में कभी कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, इस रिगार्डिंग इनको हटाया जा रहा है। पलवल ट्रैफिक पुलिस ने आज केजीपी और केएमपी एक्सप्रेस हाईवे के पुल के नीचे बिरयानी बेचने वाले या दूसरे खाद्य पदार्थ बेचने वाले लोगों के खिलाफ अभियान चलाया। अक्सर दुर्घटनाएं होने के कारण पुलिस इस ओर से चिंतित थी, आज सघन अभियान चलाया गया। देखना है कि ये सघन अभियान कब तक जारी रहता है। मैं पलवल से सतीश भूटानी।